आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कई विभागों में तबादले को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक के इस्तीफा देने की चर्चा है, मगर अब खुद सरकार की ओर से इससे इनकार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ACS सूचना यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सूचना नवनीत सहगल ने दिनेश के इस्तीफे देने के मामले को सिर्फ अटकले बताया है और इसका खंडन किया है और कहा कि मंत्री दिनेश खटिक के इस्तीफे की खबर महज एक अफवाह है, जिसके बाद अब खुद मंत्री दिनेश खटिक ने भी एक नोट जारी करके इस बात को कहा है कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। इस खबर पे नितिन, आखिर क्या वजह बताई जा रही है जो दिनेश खटिक के इस्तीफे की बात इतनी तेजी से अफवाह बन गई और अब खुद सरकार साथ ही साथ दिनेश खटिक को इस बात का खंडन करना पड़ रहा है? देखिए, दिनेश खटिक जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं और उस विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दिनेश खटिक कल नाराज हो गए थे। नाराजगी का मामला ये था कि उन्होंने पत्र लिख करके और राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करी थी और मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि विभाग के जो अधिकारी हैं और संबंधित मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे काम नहीं हो रहे हैं। कई सारी चीजों का उल्लेख जो है उन्होंने अपने पत्र के जरिए कहा किया था। इसके बाद अगर मामला बताया जाए तो दिनेश खटिक इस पत्र को देने के बाद उसमें उन्होंने इस्तीफा भी कह दिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और उसके बाद वो ये लखनऊ छोड़ करके मेरठ चले गए थे और मेरठ वाले आवास पर आज मौजूद थे। हालांकि जब रात में ये मामला प्रकरण में आया, जब प्रकाश में आया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो ACS इंफॉर्मेशन है, दिनेश नवनीत सहगल, इनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। दिनेश खटिक के जो इस्तीफे की बात चल रही है वो पूरी तरह से निराधार है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इसके अलावा आज जब मेरठ में दिनेश खटिक के आवास पर उनसे इस मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो वो भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि कोई भी मामला ऐसा नहीं है और कहते कहते वो गाड़ी में बैठ गए। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी इस मामले का खंडन किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि अगर दिनेश खटिक इस्तीफा नहीं दे रहे थे, दिनेश खटिक को कोई नाराजगी नहीं थी, दिनेश खटिक खुश थे, तो आखिर उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा? पत्र लिखने का क्या मामला चल रहा है? और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ट्रेंड चल गया है पत्र लिखने का। चाहे कोई भी मंत्री हो, उसको अपनी अगर शिकायत करनी है तो वो शिकायत पत्र के जरिए करके हाईलाइट होने की पूरी तरह से कोशिश करता है। विभाग में कोई भी गड़बड़ी हो या फिर वो अपने काम से उसके अधिकारी ना सुन रहे हो, उसके अधिकारी ना मान रहे हो, तो ट्रेंड हो गया है पत्र लिख करके सब कुछ बताने का। अगर दिनेश खटिक को कोई शिकायत थी तो वो संबंधित जो जितने भी उनके अपने जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, जो केंद्र के नेता हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत करी जा सकती थी। लेकिन पत्र लिख करके कहीं ना कहीं पूरे मामले को हाईलाइट करके सिंपति बटोरने का ये प्रयास था। फिलहाल अभी जब ये मामला हाईलाइट हुआ है तो उसके बाद से लगातार अब ये भी बताने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है, ये सारी चीजें निराधार है। जी नितिन, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाराज थे सरकार से, इसके पीछे क्या लगता है, क्या ये वजह सही थी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर क्योंकि विभाग में अगर हम देखें तो बीते कुछ दिनों में ट्रांसफर के नाम पर कई सारे विभागों की कलाई जो है वो खुली है। हमारे चैनल प्राइम टीवी की तरफ से भी कई विभागों की कलई जो है वो खोली गई थी। ट्रांसफर के नाम पर किस तरह से मजाक बनाया गया था ट्रांसफर पॉलिसी का, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियमों का उल्लंघन किया गया था पॉलिसी के तहत, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और PWD विभाग और इसके अलावा कई अन्य विभागों में, पशुपालन विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इन विभागों में कहीं ना कहीं कई सारे जो जांच है वो भी मुख्यमंत्री ने करवाई है और उसमें कई सारी जो रिपोर्ट है उनमें तथ्य निकल कर सामने आए हैं।
नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भी कहीं ना कहीं दिनेश खटीक की बातें नहीं सुनी गई हैं, कुछ उन्होंने इसके भी आरोप लगाए हैं और इससे जुड़े हुए भी कई सारे संबंधित अपने विभाग के अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए कि मैं जिस समाज से आता हूं शायद इसी वजह से मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा है, मेरी बातों को नहीं माना जा रहा है। तो कई सारे जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं दिनेश खटीक की तरफ से लगाए गए थे और अब ये देखना होगा कि आखिर ये जब मामला प्रकरण में आ गया है, संज्ञान में आ गया है, तो उसके बाद किस तरह की जो कार्रवाई है या फिर किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है इस पूरे मामले को घेर चुका है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन तो पूरे हुए हैं लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं और इसी वजह से इनके खुद के मंत्री विभाग से नाराज हैं, सरकार से नाराज हैं और इस्तीफे की पेशकश 100 दिन के बाद ही करने लग गए हैं। तो इस तरह के जो आरोप है वो लगने भी अब लगभग शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर अब ये जो चर्चाएं बहुत तेज थी कि दिनेश खटीक कहीं ना कहीं इस्तीफा देने वाले हैं, सरकार से नाराज हैं, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों का खुद दिनेश खटीक ने खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि ये सब नहीं हो रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर लखनऊ से है जहां नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। ओपी राजभर ने अखिलेश को नसीहत दी थी कि वो एसी कमरों से निकले, जिस पर अखिलेश ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, जिसके बाद अब एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अब आजम खान ने अखिलेश पर तंज कसा है और कहा अखिलेश को मैंने धूप में खड़ा नहीं देखा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा अखिलेश यादव सिल्वर स्पून चाइल्ड है, पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कोई धरना धूप में नहीं दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को पीड़ा हो रही है, यही गति रही तो समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। हम बाइज़ा शहरी नहीं है और आपका बाइज़ा शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के एमपी, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने 2 बार करा हुआ एमएलए एमटेक गलगोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गल्ले से डांका मारा है। जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो, क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहां से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं, अभी हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड है, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी के विरासत के आधार पर पाई है और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब लगातार ये जो बातें हैं इसी कमरे से निकलने की अभी ये तूल पकड़ती जा रही हैं और अखिलेश पर तंज लगातार कसे जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब देखे तो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और तत्कालीन देखे तो आपके रामपुर से विधायक आजम खान ने जो समाजवादी पार्टी के घटक दल है यानी कि सुभसपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया था कि अखिलेश यादव इसी कमरे से निकले और लोगों के बीच जाएं तब वो चुनाव जीतेंगे, साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया था। इसका समर्थन करते हुए आजम खान ने कहा है कि मैंने अखिलेश को कभी धूप में नहीं देखा, यानी कि मैंने कभी अपने कमरे से निकलकर और जनता के बीच नहीं देखा है। तो इससे साफ तौर से जो विपक्षी दल है यानी जो पक्ष दल है, जो तत्काल में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से कहा गया है कि अखिलेश यादव अपने बंद कमरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं से जनता की समस्याओं का निदान दिलाने के लिए बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश त्रिपाठी ने उन्हें सलाह दिया है, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से सलाह दिया गया है और सभी दलों का एक तरफा देखे तो अखिलेश यादव का निशाना है और निशाना ये साफ है कि जो बीते दिन सुहलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया था कि अखिलेश एसी कमरे से निकले और अपने सुपा सलाहकारों को छोड़कर
और जनता के बीच जाएं और जनता के बीच में काम करें। उसी क्रम में आपको बताएं कि इसको लेकर अब धीरे धीरे जो तमाम जगहों से देखें तो इस पर कटाक्ष आ रहे हैं, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, चाहे बात की जाए कांग्रेस, तमाम दलों की तरफ से इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस पर बयान नहीं आया है, मगर जो सीनियर नेता है वो इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं शिखा कि इस बयान के बाद जो सियासी गलियारों में हलचल है वो तेज हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बयान पर बचाव करते हुए अखिलेश कैसे नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो ओपी राजभर ने बयान दिया था, नसीहत दी थी अखिलेश को कि वो एसी कमरों से बाहर निकले, और अब इसी को लेकर लगातार तंज कसे जा रहे हैं अखिलेश पर, और उनको एसी कमरों से बाहर निकलने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर के बाद विवाद में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितेन प्रसाद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार की रात दिल्ली पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में कई विभागों में बीते दिनों हुए ट्रांसफर के बाद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रांसफर के बाद जब विवाद बढ़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में कड़ा एक्शन लिया, लेकिन अब ये विवाद और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो इस विवाद के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितेन प्रसाद मंगलवार की रात दिल्ली पहुंचे, साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ दिल्ली पहुंचे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, जिस तरह से जितेन प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं, पीछे की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि सीएम योगी खुद तबादलों में हुए हेरफेर पे नजर रख रहे हैं, खुद संज्ञान ले रहे हैं, और अब दोनों बड़े नेताओं का दिल्ली जाना किस तरह देख रहे हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और देखें तो सोमवार से जो सियासी हलचल है वो तेज हो गए हैं। वहीं आपको बताएं कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक को छोड़कर और दिल्ली जाते हैं, साथ ही साथ उनकी तरफ से गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह से मिलते हैं, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो आपसी समंजस है वो मंत्रिमंडल में ठीक नहीं चल रहा है। वहीं आपको बताएं घोटाले का आरोप लगाया गया है उसके उसको लेकर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो कांग्रेस से आते थे पहले, और उन्हें एक कांग्रेस परिवार के जो गांधी परिवार है उसके काफी करीबी माने जाते थे। उनको जब भाजपा में लाया जाता है तो उन्हें भारी भरकम जो मंत्रालय है पीडब्ल्यूडी उससे नवाजा जाता है। उसके बाद उनकी तरफ से दिल्ली से जो एक अफसर है उनको लाकर उन्हें उनके ओएसडी बनाया जाता है। वहीं आपको बताएं कि उनके ओएसडी को जब ट्रांसफर घोटाला होता है तो इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से टीम बनाकर और उसकी रिपोर्टें दायर करने की बात कही जाती है। उसके बाद सबसे पहले जो कार्रवाई होती है वो जो पीडब्ल्यूडी विभाग की यानी कि जितिन प्रसाद के ओएसडी हैं उनके ऊपर इनको निलंबित किया जाता है, और साथ ही साथ उनको उनके ऊपर जांच की बिठाई जाती है। इसको लेकर अब जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली खेमे में जाकर वो चर्चाएं कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली खेमा इस पे क्या रुख लेता है। वहीं आपको बताएं कि कैबिनेट की बैठक के बाद जब बीते दिन कैबिनेट की बैठक होती है तो जितिन प्रसाद बैठक खत्म करके और मुख्यमंत्री से मिलते हैं, और मुख्यमंत्री की तरफ से सभी मामलों को लेकर जांच रिपोर्ट की अभी मांग की गई थी, जांच करने की बात कही गई थी और जांच उन्हें सौंपने की बात कही गई थी। अब जांच के बाद ये साफ होगा कि इसमें इस घोटाले में किसका हाथ है, मगर जो आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री है जितिन प्रसाद उनका दिल्ली जाना कई सवालों के घेरे खड़ा करता है, क्योंकि अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब जितिन प्रसाद से जब कल मीडिया ने सवालों के जवाब उनके सामने रखे, सवाल पूछना है का प्रक्रिया शुरू किया, तो उन्होंने जवाब से बचते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात हुई कि अब दिल्ली से लौट कर आते हैं तो मीडिया के सामने जब रूबरू होते हैं तो किस तरह की बातें आती है और उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। वहीं आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी के अंदर में तमाम जगहों पर जो सत्ता में अगर देखें तो लंबे समय से बैठे अधिकारियों का
ट्रांसफर किया गया और हफ्ते दिन के अंदर फिर उन्हीं इसी जगह पे उन्हें ला दिया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसको लेकर हमलावर रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट के बाद ये कहना साफ होगा कि किसकी गलती है। जी विभांशु, मंत्रिमंडल में कुछ सही नहीं चल रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अब दो बड़े मंत्री दिल्ली जाते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिल्ली का हस्तक्षेप रहेगा? क्या जो कार्रवाई होगी वो दिल्ली की तरफ से की जाएगी? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो संज्ञान ले रहे हैं लेकिन दिल्ली जाना दो बड़े नेताओं का क्या बुलावा है ये दिल्ली से? जी अगर बात करें तो जब जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए थे तो उनके साफ तौर से ये कहा जाता था कि वो अमित शाह के करीबी हैं, अमित शाह के बदौलत वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे थे। तो कहीं ना कहीं इसके सवालों के घेरे ये खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो आपसी नेता है, यानी कि जो तमाम मंत्री है, वो आपसी जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। उसी को लेकर जो जितिन प्रसाद है पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब दिल्ली में जाकर वो तमाम बड़े नेता और संगठन के मंत्रियों से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इसमें क्या है। वहीं सरकार की तरफ से महज एक अफवाह इससे कहा जा रहा है, अभी कोई नेता इससे बोलने से बचते हुए नजर आ रहा है। वही आपको बताए कि शिखा की जो जितिन प्रसाद से अगर देखे तो एक बड़े कांग्रेसी नेता रहे, साथ ही साथ गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और उनके ओएसडी के हटाने के बाद वो दिल्ली जाते हैं और उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से कमेटी बनाकर और जांच कराने का आदेश दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद है वो नाखुश नजर आ रहे हैं। वही अब जांच कमेटी का जो रिपोर्ट होता है उसके आने के बाद ये मामला पूरा साफ हो सकेगा। वही दिल्ली का जो मामला है, अगर दिल्ली वो जाते हैं दो मंत्री, उसमें से अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, साथ ही साथ संगठन के मंत्रियों से मिलेंगे। वही अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखें तो जब उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी सरकार के 2.0 की शुरुआत हुई थी तो उसमें मंत्रिमंडल का चयन दिल्ली से लेकर अब मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई थी। इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि जो दिल्ली खेमे के द्वारा चुने गए जो मंत्रिमंडल में लोग थे उसकी तरफ से क्या रुख होता है, जो संगठन है साथ ही साथ वरिष्ठ नेता है, अब ये जांच के बाद साफ होगा। साथ ही साथ मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं और सवालों के जवाब देते हैं उसके बाद साफ हो सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। हरदोई में राजस्व विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। राजस्व विभाग ने एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और उसका मृत प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ऐसा ही एक मामला शाहबाद से भी सामने आया है जहां रहने वाले एक बुजुर्ग महाराज सिंह को कागजों में मृत दिखा दिया गया है और अब आला अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिंदा है, हमें मृत तक दिखाए के और लोगों के नाम दिखा सकते हैं। किसने मृत दिखाया आपको? देखभाल। कहाँ के निवासी हैं आप? हम गौरियल। आज आप कहाँ आए हैं? सावा। किस अधिकारी के पास? तहसील जरूरत। शिकायत कर दी अधिकारियों से? हाँ कर। क्या आश्वासन दिया गया आपको? रुको थोड़ी देर में लेखपाल आ गई। और इस खबर पे हमारे संवाददाता हर्षराज सिंह जुड़ चुके हैं हरदोई से। हर्षराज, पूरी जानकारी चाहेंगे, अब तक कितने लोगों का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना चुके हैं अधिकारी? आपको बताते चलेंगे, शाहबाद तहसील का मामला है, ग्राम गोरिया का है। यहाँ जो महाराज सिंह है अपने वसीयत के लिए कई बार दौड़े लेकिन जब बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद कई बार ये दौड़ते रहे, अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। बाद में जब इंतकाम निकलवाया तो उनको पता चलता है कि हम मृतक घोषित हैं जबकि इंसान जिंदा खड़ा है और जन सुनवाई में अपनी शिकायत भी दर्ज कराता है। जब लेखपाल और तहसीलदार के संज्ञान में मामला जाता है तो कह रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है जबकि लेखपाल ने उसको मृत घोषित कर दिया है। और जब इस बाबत जब उप जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है, किसके द्वारा ये बनवाए गए फर्जी प्रमाण पत्र, किसी के कहने पे बनाए या स्वयं बना दिए गए? जो पीड़ित है उसने आरोप लगाया है कि कहीं कहीं लिखा जा सकता है गांव में मिली भगत के अनुसार ये बनाया गया है। लेखपाल और तहसीलदार ये सब सारी मिली भगत है, इसमें उसके आधार पे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हर्षराज जुड़े थे हरदोई से।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।